अंतरिक्ष या स्पेस हमेशा से ही मिस्टीरियस रहा है ये मिस्ट्रीज हमेशा से ही खगोल वैज्ञानिकों को अचंभे में डाले रखती हैं ऐसा ही एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है सुपर मून आम बोलचाल की भाषा में इसे पूर्णिमा कहा जाता है सुपर मून से जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं जो हैरत अंगेज कर देने वाली हैं जैसे इस बार के सुपर मून का नाता बक या हिरण से है हालांकि इससे पहले दिखे सुपर मून को स्ट्रॉबेरी मून नाम दिया गया था इसकी वजह यह थी कि सुपर मून स्ट्रॉबेरी की फसल के समय दिखाई दिया था दरअसल में सुपर मून एक ऐसा एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है जिसके दौरान चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब होता है इन कंडीशन में अगर वेदर क्लियर हो तो चंद्रमा ज्यादा ब्राइट और अधिक बड़ा दिखाई दे सकता है बीते बुधवार के सुपर मून को बकमून नाम दिया गया है ऐसा साल के उस समय के रेफरेंस में किया गया है जब बक यानी हिरण के नए सींग उगते हैं मिसिसिपी स्टेट यूनिवर्सिटी डियर इकोलॉजी एंड मैनेजमेंट लैब की रिपोर्ट के अनुसार जून और जुलाई के समय में नरहेरा